नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। सिक्सर किंग युवराज सिंह ने अगला विश्व कप खेलने का सपना अभी तक छोड़ा नहीं है और उनकी अब भी कोशिश है कि वो मैदान पर अपना जलवा दिखाएं और टीम इंडिया में वापसी करें। देर सही सही, लेकिन युवराज सिंह अब फॉर्म में वापस आ गए हैं। युवराज ने मुंबई में खेले जा रहे DY पाटिल T20 कप टूर्नामेंट में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और एयर इंडिया की ओर से खेलते हुए 57 गेंदों में 80 रन ठोक डाले। अपनी इस पारी में युवराज ने 7 चौके और 4 छक्के लगाए। यूवी की इस पारी को मुंबई इंडियंस ने अपने आधिकारिक ट्विटर पेज पर शेयर किया है, जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। मुंबई इंडियंस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, युवराज सिंह हमें यही सब चाहिए। बता दें कि इस वीडियो को युवराज सिंह ने भी रीट्वीट किया है। आपको बता दें कि IPL 2019 में यूवी को मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। 2018 में वो प्रीति जिंटा की टीम किंग्स 11 पंजाब से खेले थे, लेकिन तब उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। इस बार युवराज सिंह पर जब पहले राउंड की बोली लगी तो उन्हें किसी ने नहीं खरीदा, लेकिन जब उनका नाम दूसरी बार आया तो मुंबई इंडियंस ने बोली लगाई। फ्रेंचाइजी उन्हें बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए में टीम में शामिल करने में सफल रही। 37 साल के युवराज की IPL में ये छठी टीम है। वो दिल्ली डेयर डेविल्स, किंग्स 11 पंजाब, पुणे वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद से भी खेल चुके हैं।